पार्लर जैसे महंगे महंगे पेडिक्योर की छुट्टी आप घर में ही आप खुद करें, वो भी अवेलेबल किचन में ही आपकी मौजूद चीज़ें हैं, तो उनकी हेल्प से और अपने पाँव को बिल्कुल यू नो लाइक टैन फ्री करें। अपने होम गार्डन से आप तोड़ें रोज़ फ्लावर और एक टप लें, उसमें पानी गर्म कर डालें और उसमें रोज़ पेटल्स डाल दें। फिर तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच जलना आपको नमक का डालना है और अपने पाँव को सो करके बैठ ले लें, ठीक है ना, ताकि ज़रा मूड भी आपका बन जाए और एक चिलिंग इन्वायरमेंट और रोज़ पेटल्स को देख के, राइट। फिर उसमें जो है ना आपका कोई भी बॉडी वॉश हो या हैंड वॉश हो तो 2 से 2.5 चम्मच आपको वो ऐड कर देना है, और फिर उस में ना 1 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा का मिला लेना, और फिर बहुत सारे से ना आपको उसके ना झाग बनाने। फिर एक ब्रश लेके ना अपने नेल्स को अच्छे से जो है ना साफ़ करें, और जो आपका फॉर्म में जो टैन है ना तो उसको रिमूव करें। फिर कोलगेट पेस्ट तो सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, कोलगेट नहीं तो कोई सा भी पेस्ट हो तो उसको उस ब्रश की हेल्प से ना नेल्स के चारों तरफ लगाएं, जहाँ पे भी आपकी ज़्यादा टैनिंग हुई हुई थी, जहाँ पे थोड़ा मेलचोक होता है वो लें। फिर 1 साशे इनो लें, उसमें ना आपको 1 ही साशे लाइफ बॉय, मैंने लाइफ बॉय लिए जो अवेलेबल शैम्पू घर में मेरे पास अवेलेबल था, आप उससे भी शैम्पू लें। फिर 1 साशे आप ना कॉफ़ी की लेना तो वो भी इसमें ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स करें। ये जो है ना आपको एक्सफोलिएट करेगा और स्क्रबिंग का काम करेगा, और सबसे बेहतरीन परफेक्ट ये जो है ना स्क्रब है जो कॉफ़ी के अंदर जो है ना वो वाइटनिंग एजेंट और वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जितना भी टैन होता है ना वो जो है ना रिमूव करता है, जब भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना तो ये आपके पाँव को मतलब बिल्कुल साफ कर, जो भी आपके पाँव का जो मैल है ना वो पूरा जो है डबल टैन हो जाता है सन टैन की वजह से, सारी चीज़ों को वो रिमूव करता है। अब देखिए मैंने आप लोग के सामने ये इंस्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी लेना है इनो वो भी मौजूद होता है ये, ठीक है, कॉफ़ी आपको वो लेनी है और साथ ही साथ कोई सा भी शैम्पू लेना है। तो मैं साशे का इसलिए करके आप लोगों के सामने ये क्विक वो किया कि लोग बड़े बड़े लांजे में पड़ते हैं तो भाई ये शैम्पू वो शैम्पू, तो मैंने मतलब आपके सामने छोटी छोटी चीज़ें ये मंगवाई हैं, उसके मतलब हेल्प से ना मैंने पूरी अच्छे से फिंगर्स पे स्प्रेड करा, पूरे अपने एंकल पे स्प्रेड करा, जितना भी जहाँ जहाँ आपको लगता है ना टैन है तो वो, और फिर जो बच्चा कुछ आता वो मैंने अपने हाथों पे भी लगा के राइट उसको जो ना स्क्रब आउट कर लिया ब्रश की मदद से, मतलब कोई से भी आपको अवेलेबल टूल हो इस तरीके उसकी हेल्प से ना आपको ये अच्छे से जहाँ जहाँ आपकी टैन है फिंगर्स जो अक्सर जो है नमाज में बैठने की वजह से हम लोग पाँव जो है आलती पालती होकर बैठते हैं तो उसकी वजह से मेरी फिंगर्स में ना काफ़ी निशान आ जाता है। देखिए मेरी बेटी को वो भी साथ आ गई है और उसने भी जो है ना मेरी बेटी ने अपने अम्मा के मतलब मेरे पाँव जो है ना चमकाने लगी, तो साथ ना आपकी जो बच्ची हो ना तो उसको भी ले लेना कोई है, ताकि ये उसके लिए भी एक एक्टिविटी हो जाती है। तो इस तरीके से करके पूरे पाँव का जो ना डर्ट ख़त्म हो जाता है, और साथ ये जो संडे का जो डे होता है ना मैं कहती हूँ कि सेल्फ पैम्पिंग डे हो, चीज़ें सारी आप लोग के सामने घर में अवेलेबल होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़े या कुछ भी पड़े, ये सही वो चीज़ें जो कि घर में अवेलेबल होती हैं, आप होम किचन में अवेलेबल होती हैं, और थोड़ा बहुत अगर बच्चे भी ना तो फिर अपनी ना बच्चे के भी हाथ पाँव पर लगा देना, ताकि उसके अंदर भी जो है ना मैं कहती हूँ कि बचपन से ही ये शौक ना डिवेलप हमें हम माओं को ही करना चाहिए कि अपना ख्याल लाजमी रखें। फिर उसके बाद ये आपकी जो जितनी भी डेड्स की रहना पाँव के नीचे की तो आपको वो निकाल लेनी है हल्का, क्योंकि मेरी सच ऐसी इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी डेड स्किन होती है राइट, तो वो डेड स्किन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसी टाइम में देखें अभी पूरा जो पानी है ना पूरा ब्राउन हो गया, अगर कॉफ़ी जो है ना कलर छोड़ देगा, प्लीज़ अपने जो ना रफ़ कपड़े पहन के बैठिएगा, ये नहीं कि आप कोई नया नया सूट पहन के बैठे। जो बाकी जो मिक्सिंग जो है ना मैं अब कर रही हूँ, मैंने लिया बेसन और उसमें अब लाला लेमन और 1 चम्मच जो है ना नमक डाला, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला और 1 चम्मच कॉफ़ी डाली और उसमें थोड़ा सा बॉडी जो है ना बॉडी वॉश डाल दिया और साथ ही साथ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब मैं एक बेस्ट एक्सफोलिएटर बना रही हूँ, ठीक है, पहले हमने स्क्रब बनाया अब मैं एक्सफोलिएटर बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो भी ये इंग्रेडिएंट्स है ना, अब हम लोग जो ना नेचुरली ब्लीच करें, जब हम पार्लर जाते ना तो महंगे महंगे ब्लीच करवाते हैं, अब बिल्कुल नेचुरली ब्लीच करें। अब देख रहे ना पहले हमने एक्सफोलिएट किया अब हम ब्लीच कर रहे हैं, तो ये क्या है कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो ना किचन में अवेलेबल है, मैं कहती हूँ बेसन है चीनी बेकिंग सोडा लेमन और साथ ही साथ कॉफ़ी और दोबारा थोड़ा सा बॉडी वॉश और कोकोनट ऑयल, जो बाकी फिर बचा हुआ जो जो ये पेस्ट बचा था वो फिर मैंने अपने हाथों पे भी लगा कर स्क्रब कर लिया, ठीक है, और मेरे हाथ भी साफ हो गए, साथ ही साथ मैंने अपनी बच्ची के अंदर भी ना ये शौक डेवलप करी है। तो जो लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और प्लीज़ अपने इस तरीके से पेडिक्योर करें, अपने हाथ पाँव को चमकाएं, कोई भी लाइक फंक्शन हो ना ईद हो या कोई भी फंक्शन जाने से पहले अपने पाँव को लाजमी चमकाएं, अपने यूनो पारा जैसा पेडिक्योर आप घर पर भी कर सकते हैं। तो खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।